और आप सबकी तरफ से मी गोम गुठार का माध्यम से धारी देवी माँ भेंट चढ़ोलू आज गोम गुठार का। पहुंचियो हम टिहरी माँ गौ कुठियार का माध्यम से धारी देवी का मंदिर चलो। मनमोहक दृश्य बहुत सुंदर। तो गौ कुठियार की टीम पहुंच गया टिहरी माँ। अब ये मार्च का महीना पूरा फरवरी और मार्च टिहरी माँ वाला और बहुत विशेष सच टिहरी गढ़वाल की बहुत बड़ो इतिहास से अब एक एक चीज टिहरी का बारे में गौ गुठार का माध्यम से हम जन जन तक पहुंचा। हाँ जी दीदी बोली कै गाँव का छो तुम टिहरी गढ़वाला का क्या नाम तुम्हारो? मैं रोशन रतोड़ी रोशन रतोड़ी क्या को गाँव छो तुम्हारो? हमारो दुग्यार। दुग्यार अच्छा अच्छा तुम्हारा कोई भाई बंदर आला कोई गांव गुठियार का कार्यक्रम जियो क्या कोने कोई रेबार दिन हो तो दे सकते हो आप कि देर ठीक ठाक छन मन दारी देवी दर्शन करिए यहां जी बाकी आप भी ठीक ठाक रहो ना यही दारी देवी से बोल मांगी बस। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार जी जी बढ़िया आज हाँ गौ गुठियार के माध्यम से साइड में यार अच्छा 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 आप जरा बता लाइए मंदिर के बारे में कुछ नहीं ना फिर भी बोलो कुछ कुछ बता सकते हैं मंदिर के बारे में धारी के बारे में तो लोकल लोग या पुजारी लोग बता सकते हैं। नहीं नहीं आप कुछ बताना था जन की जो केदारनाथ की आपदा हुए कि वो ये कारण था ये धारी देवी को मंदिर जाए। अच्छा मतलब लोग पुराना लोग बोलते हैं कि जितना भी एक यात्री लोग केदारनाथ बद्रीनाथ तो यात्रा के लिए जाना है तो जो धारी माता जो दर्शन करते हैं बिल्कुल बिल्कुल वही दिन ये मंदिर था वो उठाने को कारण यकम डैम डैम की वजह से मंदिर उठान पड़े बल्कि काफी स्थानीय लोगों ने विरोध करी जो पुजारी लोग सरकार अच्छा 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 जी जी अंदर नहीं हो।
दारी देवी का मंदिर में छो कहीं ना फोटो लेने अनुमति नीति लेके तो एक विशेष रूप से उत्तराखंड का संघ परिवार जो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है जिनको करने का और दूसरा उत्तराखंड देवभूमि संगम परिवार ये दुई संस्थाएं जिनकी जो बहुत ज्यादा सहयोग दी जिनको उद्घाटन की बाकी और बहुत सारा लोग जन जो उनको उद्घाटन सहयोग देना चाहिए भाई बहनों जितना भी ये क्षेत्र का लोग जिन आप सबों की तरफ से मी ये मंदिर में आज भेंट चढ़ाऊ छो उम्मीद छे की आपकी भेंट भावनी ये मंदिर में पहुंच जाएगी और गौ उद्घार बीती ही को सफल किया माँ धारी देवी को मंदिर से अलकनंदा नदी केदारनाथ में जब आपदा छे तो वे यू मंदिर बहुत निश्चित छो और ये डाम का वास्ता यू पानी वेरी एकत्र जग में और एक वजह से यू मंदिर उठेगे छाई और बोले जान की जे दिन यू मंदिर उठेगे छा वे का अगले दिन ही केदारनाथ में आपदा के छाई और ये धारी देवी को जो धारी देवी ची यात्रियों की रक्षक मने जान लेकिन जब ये मंदिर में बदलाव हुए तो एक वजह से वो आपदा छाई तट से मध्य उठेंगे तो एक बात यही वो नदी थी जैम आप अलग मंदिर पहले एक मिशा की किनारे आयो मंदिर मूल स्थान जो भी पर ये बिजनेस होता है अच्छा 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 हाँ 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 अच्छा पहाड़ी है पहले पहाड़ी है ना नदी का नाम बिजनेस हाँ 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 तो मंदिर काफी कम से कम 100-150 मीटर है जो अभी एक निर्माण चल है लेकिन चौपार निर्माण उन्हें तो मगर अभी भी खतरा नहीं चाहिए क्या जन आपदा पहले है तो अब तो बीच में अगर कोई बाई बाई देवे आपदा आ जाए तो यह मंदिर जाओ नीचे कि मजबूती हुई है मंदिर में इनको मंदिर की बजाय उधर खड़े करना है साइड करना पानी अगर रोटी भी रहा साइड डाल पानी वही ना जय हिसाब से ये अलग नंदों को स्वरूप जो जो 2013 में दिखे गए चाहिए वही हिसाब से दिखे जा तो नीचे खतरनाक तो सही बहुत है बिल्कुल अब जो केदारनाथ को मंदिर से वो भी बीच में तो बीच में कोई पत्थर रह गया चाहिए की वजह से वो केदारनाथ को मंदिर बच गया मगर अगर कोई आपदा ही नहीं था फिर हाँ हाँ वही ना इतना जरा सोच चलो यू हैं एक खोली का गणेश तो अपनों पैरी पते दी वे वाह वे चलो कोशी पेना मेरा आज मोरी काना रे ये मोरी पुनारण पेना तुम आज चमा चेचा